30 जून 1964 का प्राप्त क्लास चल रहा था। तीसरे पेज के अंत में बात चल रही थी शिव निराकार है और शंकराकारी है, दोनों को कैसे मिला सकते हैं। पूछा, बताओ है? अरे बाबा पूछते हैं तो जवाब देना चाहिए ना। दोनों को कैसे मिला सकते हैं? अरे भगवान बाप शंकर के सामने आते होते तब दुनिया वाले उनको शिव शंकर नाम रखते। आत्मा अलग, शरीर अलग, दोनों को कैसे मिला सकते हैं? अरे मिलाते हैं कि नहीं? तो जीवात्मा नाम पड़ता है ना। ऐसे ही शिव बाबा मुरली में कहते हैं मेरा एक ही नाम है, बिंदी का नाम है, वो बदल नहीं सकता। औरों के नाम शरीर के ऊपर होते हैं और मेरा नाम आत्मा का नाम है। दूसरों के किसी के नाम शरीर आत्मा के ऊपर नहीं होते हैं। मेरा आत्मा का नाम है शिव और शंकर है आकारी देवता। कैसे? नहीं, शंकर निराकारी नहीं है। शंकर को शिव नेत्र मिलता है, तीसरा नेत्र दिखाते हैं, उसका नाम क्या देते हैं? शिव नेत्र। तो शिव नेत्र जब उसमें प्रवेश करता है तो पूछने की बात है, क्या शिव सूक्ष्म बतन में आता है? आता है सूक्ष्म बतन में तो आता नहीं। अच्छा, सूक्ष्म शरीरधारियों में आता है, उनमें भी नहीं आता। कोई कहे शिव के मंदिर यहां इतने क्यों बने हुए हैं, कहेंगे वो तो निराकारी की स्टेज की यादगार है। अच्छा, जहां जहां शिव के मंदिर बने हुए हैं पुराने पुराने, वहां शंकर की मूर्ति क्यों रखी जाती है मुख्य देवताओं के बीच में? रखी जाती है या नहीं? सोमनाथ मंदिर में क्या था? शिवलिंग मंदिर में बीच में लटक रहा था, चारों तरफ दीवालों में चंबुक चुंबकीय पत्थर लगे हुए थे, उनके आकर्षण से बीच में लटक रहा था और सामने ही शंकर की मूर्ति रखी हुई थी, जिसको मुसलमान तोड़ करके ले गया और अपने दरवाजे की सीढ़ियों पर उल्टा करके डाल दिया। हिस्ट्री की बातें हैं तो साबित होता है ना कि पुराने शिव के मंदिर में सभी देवताओं की मूर्तियां दिखाई जाती हैं चारों ओर और बीच में शिवलिंग रखते हैं। शिव निराकार है, अमूर्त है या मूर्त है? अमूर्त है। और शंकर की मूर्ति मूर्त है, मूर्तिमान है या अमूर्त है? मूर्तिमान है। मूर्ति कब बनती है?
नेहरू की मूर्ति लगते हैं, शिवाजी की मूर्ति रखते हैं, राणा प्रताप की मूर्ति बनाते हैं, क्यों बनाई? सूक्ष्म बदनवासी थे हाँ। जरूर इस साकार सृष्टि पर हुए हैं तो उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं। अच्छा, जितनों की दुनिया में मूर्तियां बनाई जाती हैं, उनमें सबसे जास्ती मूर्ति दुनिया में खुदाइयों में या मंदिरों में किसकी मिलती है? है? शिव की मूर्ति नहीं होती है, शंकर की मूर्ति मिलती है। जैनी लोग उसे नग्न मूर्ति का नाम क्या देते हैं? तीर्थंकर देते हैं ना। इसे साबित हुआ कि वो मूर्ति ऐसे नहीं है कोई सूक्ष्म वतनवासी होती है, इस सृष्टि में ही होती है, लेकिन स्टेज है, स्टेज आकार ही होती है, सूक्ष्म स्टेज होती है। मनन चिंतन मंथन की स्टेज को सूक्ष्म स्टेज कहेंगे या साकारी स्टेज कहेंगे? सूक्ष्म। मनन चिंतन होता ही है सूक्ष्म बुद्धि से। तो दिखाते हैं कि शिव के साथ 33 करोड़ देवताओं में से किसी का नाम नहीं रखा जाता है। कोई देवता का नाम मिलाया जाता है? नहीं। 500 करोड़ मनुष्यों के साथ किसी का नाम नहीं है जिसके साथ शिव का नाम जोड़ा जाता हो। शिव का नाम किसके साथ जोड़ा जाता है? क्या कारण है? इसका कारण यही है कि शिव निराकार साकार में प्रवेश करता है, साकार ही पतित होता है। सूक्ष्म वतनवासी पतित होते हैं? पतित नहीं होते। बाबा तो कहते हैं जब शास्त्र तुम पढ़ते थे तो शास्त्र पढ़ने से भी उस समय तुम्हारे विकर्म नहीं बनते थे। और हम यहां मुरली का मनन चिंतन मंथन करें तो हमारा पाप कर्म बनेगा क्या? बन सकता है? नहीं बनेगा। तो मैं तो साकार रथ में प्रवेश करता हूं, निराकार आकर के ऐसे साकार रथ में प्रवेश करते हैं जो मनन चिंतन मंथन की स्टेज से होते हुए अब्बल नंबर में निराकारी स्टेज में पहुंच जाता है। इसलिए शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। इसलिए बाबा ने पूछा, पूछने का लहजा देखो, शिव भोला भी एक का ही नाम है। कौन से एक का? अगर कोई पूछे कौन से एक का नाम है तो क्या जवाब देंगे? वो बी के लोग क्या जवाब देंगे? है एक कौन है? ब्रह्मा एक, उसका नाम शिव भोला है। हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट आया, बाबा ने उसके सामने बहुत बढ़ाई कर दी। जब वो चला गया तो बोलते हैं ये थोड़ा ही स्वर्ग में आवेगा। भोला है, है? भोला है या क्रिश्चियनिटी से भरपूर है? ये क्रिश्चियनिटी की बातें हैं, बाहर से खुशनुमा करके दिखा देना और पीछे से अंदर में भरा हुआ है वो निकाल देना। तो बोला शिव को भोला भंडारी कहेंगे,
एक ही शिव है तो एक शिव कैसे कहा जाए, ब्रह्मा के लिए कहा जाए? अगर ब्रह्मा के लिए कहा जाए तो ब्रह्मा की मूर्तियां होनी चाहिए, बननी चाहिए, बनती हैं। ब्रह्मा के मंदिर होने चाहिए, मंदिर बनते हैं, नहीं बनते? ब्रह्मा की पूजा होती है, पूजा भी नहीं होती, और शिव की तो पूजा होती है, पूजा किसकी होती है? अरे पूजा किसकी होती है? नहीं, निराकार तो आपकी आत्मा भी है। नहीं, पूजा होती है पवित्रता की। काहे की पूजा होती है? प्योरिटी की पूजा होती है, और वो सामान्य रूप से प्योर नहीं है। क्या सामान्य रूप से प्योर नहीं है? क्या कहते हैं, कैसा प्योर है? अरे भूल गए, एवर प्योर है। एवर प्योर का मतलब और दूसरी कोई आत्मा नहीं हो सकती जो इतना एवर प्योरिटी का काम करके दिखाए। कैसी एवर प्योरिटी? जिसकी यादगार मंदिर में रखी हुई है। क्या है? उसका लिंग ही पूजा जाता है। देवताओं की और इंद्रियां पूजी जाती हैं, लेकिन शिव का लिंग ही पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि और इंद्रियों से तो पवित्र बन सकते हैं देवताएं, और देवताएं पवित्र बने थे, इसलिए कहा जाता है मुख कमल, नेत्र कमल, हस्तपाद, पाद कमल, हस्त कमल। कमल से उपमा देते हैं, लेकिन उनकी लिंग से उपमा नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि दुनिया में काम के ऊपर विजय एक के अलावा और किसी ने नहीं पाई, 100% विजय। और वो विजय अखाड़े में युद्ध हो तब ही विजय कही जाएगी, या अखाड़े में आए ही नहीं और विजय हो जाए हैं? तो उसका यादगार मंदिर में अखाड़ा दिखाया गया है, पार्वती दिखाई गई है। भले बाबा कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो, किसे कहा तुम सब पार्वतियां हो? हैं? आत्मा से कहा। अच्छा पुरुष पार्वती है, पार लगाएंगी? पुरुषों की आत्माएं पार लगाने वाली हैं, जैसे पार्वती धनवती कहा जाता है ना, तो पुरुषों से कहा जाता है स्वर्ग के द्वार खोलो, नहीं कहा जा सकता? जो कन्याएं माताएं हैं उनको कहा तुम सब पार्वतियां हो। क्यों क्यों कहा? क्योंकि कन्याएं माताएं ही ये ऐसी शक्तियां बन सकती हैं जो पुरुषों को पार लगाए सकती हैं। कैसे? कायदे अनुसार या बेकायदे अनुसार? कायदे अनुसार। वो भी टाइम आएगा कि बराबर बराबर पुरुषार्थी रुद्रमाला के और विजयमाला के संस्कारों से एक होकर के मिलेंगे, और संसार के सामने ये साबित कर सकेंगे कि साथ रहते हुए, साथ सोते हुए, एक घर में रहते हुए, खाते हुए, पीते हुए, फिर भी काम इंद्रिय पर विजय परसेंटेज में जरूर पा सकते हैं। और सन्यासी क्या कहते हैं? है? सन्यासी कहते हैं ये तो बहुत असंभव है, ये संभव हो ही नहीं सकता। और बाबा क्या कहते हैं?
यही संभव है। और ये उन आत्माओं के लिए संभव है जो रुद्रगण कहे जाते हैं। क्या रुद्रगण का मतलब क्या हुआ? रुद्रगण किसकी औलाद? महारुद्र की औलाद, साक्षात रुद्र के बच्चे हैं और रुद्रगण, तो उनकी यादगार है शालिग्राम। कितने शालिग्राम बनाते हैं ज्यादा से ज्यादा? लाख तो सामान्य रूप से बनाते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने बनाते होंगे? है लाख दो लाख, उससे ज्यादा नहीं, नौ लाख। वो प्रैक्टिकल में होते हैं, है प्रैक्टिकल में वो पत्थर या मिट्टी के बनाते हैं। वो मिट्टी प्रैक्टिकल में होती है कि जो सूक्ष्म प्रवेश करने वाले होते हैं उनकी अपनी मिट्टी होती ही नहीं? होती है। अरे साढ़े चार लाख इस धरती पर प्रैक्टिकल में होते हैं और साढ़े चार लाख उनमें प्रवेश करते हैं, तो शालिग्राम किसकी यादगार बनाए जाते हैं? है शालिग्राम उनकी यादगार है जो मिट्टी या पत्थर के प्रैक्टिकल में चैतन्य होते हैं, और वो ऐसी स्टेज बनाते हैं शालिग्राम की, निराकारी स्टेज। उनकी यादगार है जो पूजे जाते हैं रुद्र यज्ञ में, और उनके साथ एक बड़ा लिंग रखा जाता है। बड़ा क्यों? अरे बड़ा काम किया इसलिए बड़ा रखा जाता है। शालिग्राम छोटे छोटे बनाए जाते हैं, तौल के बनाए जाते हैं कि एक मिलीग्राम ज्यादा है कि एक मिलीग्राम कम है? नहीं, छोटे बड़े होते हैं या नहीं होते हैं? छोटे बड़े होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ उन रुद्रगणों में से एक है जो शिव के साथ समान स्टेज में ऐड हो जाता है। यही कारण है कि शिव जब आते हैं तो पहले पहले किस में प्रवेश करते हैं? ज्ञान नेत्र प्रत्यक्ष करने के लिए किस में प्रवेश करते हैं? है शंकर में प्रवेश करते हैं। तो शंकर क्या हुआ? मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो शंकर भी पहले पहले क्या हुआ? ब्रह्मा हुआ। और जितने भी ब्रह्मा नामधारी हैं उन ब्रह्मा नामधारियों में अव्वल नंबर हुआ या नंबर वार हुआ? अव्वल नंबर हुआ। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है क्या? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। वो कैसा ब्रह्म है? परम ब्रह्म। ब्रह्मा नामधारी जितने भी हैं, जो ब्रह्मा सो विष्णु की भुजाएं बनते हैं, उन भुजाओं को चलाने वाला कौन? साधारण ब्रह्म या परम ब्रह्म? परम ब्रह्म। वो भुजा नहीं है, क्या है? भुजाओं को चलाने वाला है। इसलिए शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता? शंकर का नाम जोड़ा जाता। तो बाबा टांट मारते हैं, बाबा कहते हैं शिव बोला भी एक का नाम है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछो तो वो तो कह देंगे एक बिंदी का नाम है। कैसे पहचानेंगे? है एक बिंदी को पहचानेंगे?
अरे रुद्र यज्ञ में तो बड़ा लिंग बनाते हैं, किस लिए? कि उसने लिंग का बड़ा काम किया, जैसा काम और कोई नहीं कर सका, इसीलिए पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। जैसा पांडवों ने काम किया ऐसा किसी ने काम नहीं किया। महात्मा बुद्ध का भी बड़ा चित्र बनाते हैं, दक्षिण भारत में बाहुबली का बड़ा चित्र बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं? आंध्र में जो गए होंगे देखा होगा हनुमान का सड़कों पर बड़ा बड़ा चित्र रखा हुआ है। अपने यहां उत्तर भारत में शंकर का बड़ा बड़ा चित्र बनाते हैं। इसे क्या साबित हुआ कि बड़ा काम किया है और बुढ़े बड़े काम के आधार पर जो बड़े थे बड़ा शिव है, सबसे ऊंची पाटधारी आत्मा कौन है? हैं? नहीं, वो आत्मा है, वो आत्मा है। लोग कहते हैं या आत्मा सो परमात्मा, तो क्या 500 करोड़ आत्मा सो परमात्मा है? नहीं, आत्माओं के बीच में जो परम पाटधारी है, हीरो पाटधारी है, उसके लिए कहा गया आत्मा सो परमात्मा। पहले आत्मा तो पूरे 100% बने नहीं है? अगर 1% देहभान रह गया तो उसे आत्मा कहेंगे? नहीं कहेंगे। देहभान है माना देहधारी है, तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, लेकिन समझते नहीं है कि कौन सी आत्मा सो परमात्मा। क्या कहेंगे जवाब? जो 100% पुरुषार्थ की समाप्ति पर आत्मिक स्टेज में स्थित हो जाए, किसके समान? जैसे शिव है आत्मिक स्टेज वाला, ऐसे आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाए। और शिव बाप कहते भी हैं, मैं आता हूं तुम बच्चों को आप समान बनाता हूं, कहते हैं या नहीं? जब शिव आप समान बनाने आया है तो क्या एक भी आत्मा आप समान 100% निराकारी नहीं बनेगी? बननी चाहिए। तो जो बनती है उसके साथ शिव का नाम जोड़ा जाता है, और जो मंदिरों में चित्र रखा हुआ है, चित्र नहीं लिंग रखा हुआ है, वो लिंग साकार की ही यादगार है। जो इंद्रियां होते हुए भी, जैसे कान होते हुए भी, कानों से दुनिया वालों के द्वारा की हुई, अखबार वालों के द्वारा की हुई, टीवी के द्वारा की हुई, रेडियो के द्वारा की हुई ग्लानी को जैसे सुनते हुए भी सुनता ही नहीं, लगातार अपना काम करता चला जाता, जो सुनेगा धारण करेगा प्रभावित होगा, तो प्रभावित होने के बाद जिससे प्रभावित होगा उसकी प्रजा बनेगा या नहीं? है, बन जाएगा। तो बताया कि शोभला भी एक का नाम है, शंकर थोड़े ही डालेंगे। शंकर बोला, कभी सुना? क्या सुना? शंकर बोला नहीं सुना, अगर सुना भी होगा तो ऐसे सुना होगा, शिव शंकर बोले बाले। कैसे सुना? शिव का नाम पहले, शंकर का नाम बाद में। इससे क्या साबित हुआ? ये बोले भाले जो विशेषण जुड़ा हुआ है वो बोले किसके लिए है? जिसका नाम पहले है वो बोला,
और जिसका नाम बाद में है वो बहला। तो कहते हैं शिव शंकर बोले बाले, तो भाला ये विशेषण सिर्फ शंकर के लिए डालेंगे। अगर डालेंगे भी तो कब डालेंगे है? जब शिव उसमें प्रवेश हो, तो शंकर के लिए थोड़े ही डालेंगे। नहीं, शिव निराकार है, शंकर आकारी है, दोनों को कैसे मिला सकते हैं? जवाब दो। अब इस वाक्य के पूछने पूछने में ही अंतर हो जाता है। इसका जवाब हो सकता है कि नहीं, बाबा पूछते हैं है? या इसका जवाब सिर्फ निगेटिव होगा है? शिव शंकर दोनों को कैसे मिला सकते हैं? तो कैसे का पॉजिटिव जवाब देना चाहिए या निगेटिव? निगेटिव जवाब क्या होगा? नहीं मिला सकते, शिव अलग शंकर अलग, और ये हुआ निगेटिव जवाब। और पॉजिटिव जवाब क्या हुआ? कैसे मिला सकते हैं, बाबा ने पूछा है तो जरूर इसका समाधान बच्चों को निकालना चाहिए। क्या समाधान निकलेगा? कि शिव निराकारी शंकर आकारी स्टेज वाले में प्रवेश करते हैं, जो आकारी स्टेज वाला साकार शरीरधारी है उसमें प्रवेश करते हैं, तो शिव शंकर मिलकर के एक हो जाते। कब? जब शंकर नामधारी का पुरुषार्थ संपन्न हो जाता है, तब वो भी सदाकाल की निराकारी हो जाता है कि आकारी रह जाता है? सदाकाल के लिए निराकारी हो जाता है। तो स्वीटेस्ट तो ये दोनों को कैसे मिला सकते हैं पूछा, फिर बाबा ने बोला, ये तो मूर्खता हुई ना। क्या क्या मूर्खता हुई है? मिला सकते कि नहीं मिला सकते? कैसे का जवाब अगर नहीं देते हैं तो मूर्खता हुई ना। तो बाप बैठकर कहते हैं, क्या मूर्खता के कारण नहीं बता सकते? तो बाप बैठ करके कहते हैं कि मेरे बच्चे कितने मूर्ख बन गए, माया ने कितना बेसमझ बनाई दिया है, बिल्कुल ही अकल चट्ट कर दिया है। 36-64 की वाणी का चौथा पेज। सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत शैतान की, बंदरों की है। और बाबा क्या कहते हैं, मेरे बच्चे क्या बन गए, किसकी सेना बन गए है? राम की सेना बन जाते हैं, बंदरों से भी बदतर कहें। बंदर विकारी होते हैं, और बंदरों से भी ज्यादा विकारी कौन बनते हैं? मनुष्य। और शिव बाबा किनके बीच में आते हैं? बंदरों के बीच में आते हैं, माने दुनिया के मनुष्यों के बीच में जो सबसे जास्ती विकारी बनते हैं, उन विकारियों के बीच में बाबा आते हैं। बंदर से भी बदतर तो हैं, क्योंकि मनुष्य है ना है? बंदरों से भी, जानवरों से भी अच्छा कौन बनता है, और जानवरों से भी बुरा कौन बन सकता है? मनुष्य ही बुरा बन सकता है, और मनुष्य अच्छा बन सकता है। तो मनुष्य कितना अच्छा था, कब? सतयुग में। अब मनुष्य बंदरों से भी बदतर बन गए। सूरत तो मनुष्य की है,
सिर्फ उनके गुण बंदर जैसे बन गए। इसलिए सब मंदिरों में देवताओं के सामने जाकर गाते हैं, कौन है? इसलिए कौन गाते हैं देवताओं के मंदिर में जाकर के? भक्त गाते हैं। बात किनकी हो रही है? किसकी हो रही है? बंदरों की बात हो रही है। हैं? यहाँ भक्तों की तो बात ही नहीं हो रही है अभी, बात किनकी हो रही है? इसलिए, इसलिए का मतलब क्या है? पिछले महावाक्य से जुड़ा हुआ अर्थ है या नहीं है? है? नहीं है। इसलिए, किसलिए? कि मनुष्य ही बंदर जैसे बन गए हैं, इसलिए मंदिर में देवताओं के सामने जाकर के गाते हैं। कौन? माताजी कहेंगे भक्त। कौन गाते हैं? अरे वो ही बंदर बुद्धि मनुष्य देवताओं के सामने गाते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही हमारे पास हमारे ऊपर तरस करो। क्या करो? आप ही हमारे ऊपर कृपा करो। गाते हैं बच्ची मारे गाते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? कहाँ शूटिंग हो रही है? संगम युग पर है ये शूटिंग? संगम युग में कहाँ हो रही है? कि विकारी बंदर मनुष्य निर्विकारी के आगे जाकर गाते हैं, एवर प्योर बाबा के सामने जाके गाते हैं मंदिर में, आप ही हमारे ऊपर कृपा करो, हमसे नहीं होता प्रातः काल का पुरुषार्थ। गाते हैं कि नहीं गाते हैं? अभी अभी तो देखो सबके पास जाते हैं। कहाँ देख लो, जाके बीके में सिर्फ बाबा के पास जाते हैं या सबके पास जाते हैं? दीदी दादी दादाएं जो मिलते हैं उनके पास जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कहां के भी मंदिर में जाएंगे, पूजा एक ही किस्म की करेंगे और सबको मिलाए देते हैं। नाम रखते हैं ना लक्ष्मी नारायण, दो हैं कि एक है? और नाम किसका रखा है? एक का है दो का है? अरे लक्ष्मी नारायण एक का नाम है वास्तव में कि दो का नाम है? लेकिन नाम किसका रख दिया? एक आदमी का नाम लक्ष्मी नारायण रखते हैं कि नहीं? हाँ लक्ष्मी नारायण मिला दिया, लक्ष्मी को भी नारायण से मिला दिया। क्यों मिला दिया? अरे बाबा शिव शंकर एक हैं, क्यों मिलाए देते हैं? इसका जवाब दे रहे हैं भक्त लोग, लक्ष्मी नारायण नाम रख देते हैं, दोनों का नाम मिलाए के एक कर दिया। क्यों मिलाए दिया? हाँ क्योंकि दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। शिव शंकर, कोई व्यक्ति का नाम शिव शंकर होता है कि नहीं? तो दो का नाम मिला के एक कर दिया कि नहीं? मिला दिया। क्यों मिला दिया? क्योंकि संस्कार में दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। राधा कृष्णन, राष्ट्रपति का नाम क्या था? राधा कृष्णन एक का नाम था कि दो का है? तो दो का नाम इकट्ठा क्यों कर दिया है? नहीं जरूर कोई टाइम आता है संपन्न पुरुषार्थ होने पर कि राधा और कृष्ण के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। यहां तक एक हो जाते हैं कि एक ही माता के पेट से एक ही टाइम पर जन्म लेते हैं। लेते हैं या नहीं लेते हैं? तो बाबा समझाते हैं उदाहरण देकर के, मिलाकर एक कर देते हैं। पता नहीं कहते हैं
क्या क्या कहते हैं पता नहीं, क्या क्या कहते हैं, कहते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। कितने नाम इकट्ठे कर दिए है, भक्त लोग क्या समझते हैं ये अलग अलग देवताओं के नाम है या एक के ही नाम है? भक्त लोग समझते हैं ये तो अलग अलग के नाम है, लेकिन बाबा अभी क्या साबित कर रहे हैं, हैं श्री धर्म किसको कहते हैं? श्लोक शुरू होता है अच्युतम केशवम से। अच्युतम माने क्या है? च्युत माने नीचे गिरना, क्या नीचे गिरा माने च्युत, अच्युतम माने है जो नीचे न गिरे। अरे क्या नीचे न गिरे, हाँ शक्ति नीचे न गिरे, शक्ति पात न हो, उसको कहते हैं अच्युतम। तो ये किस आधार पर बोला, एक के लिए बोला या दो के लिए बोला है? कौन एक? अरे अच्युत है, कौन अच्युत? अरे बोलो ना, शिव बाबा, शंकर नहीं, शंकर नहीं है, शंकर को अमोघ वीर नहीं कहते शास्त्रों में, कहते हैं कि नहीं? माना संपूर्ण स्टेज बनती है जब पुरुषार्थ की, तो दोनों आत्माएं कर्म से मिलकर के संस्कार से एक हो जाती है, इसलिए नाम क्या दे दिया है? अच्युतम। ऐसे ही केशवम, इसमें भी दो शब्द हैं, का माने ब्रह्मा, का माने ब्रह्मा जो करता है, सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा। तो का माने ब्रह्मा, ईश माने उसका स्वामी, का और ईश दो शब्द मिलकर के बनता है केशव। दोनों को क्यों मिला के एक कर दिया है? क्योंकि ब्रह्मा में प्रवेश करने के बाद ही ब्रह्मा का भी स्वामी बनता है। तीन मूर्तियों का स्वामी है ना, कौन? शिव। तो ब्रह्मा का भी स्वामी है। अच्युतम केशवम राम, क्या नाम दिया, क्या मतलब? हाँ, जो योगियों में रमण करता है, रमण कराता है, योगियों को खिलाता है, प्रसन्न करता है, उसको कहते हैं राम। अब खिलाता कौन है उसके अंदर है? क्या राम वाली आत्मा खिलाती है? कौन खिलाता है? शिव खिलाता है। तो दोनों को मिला करके एक कर दिया नारायणम। नार माने जल, ज्ञान जल, आयन माने घर, यादगार मूर्ति तो बनी हुई है, मंदिर बना हुआ है तालाब के अंदर, अभी तो गंदा हो गया है, पहले बहुत स्वच्छ था। नाम दिया नारायणम, ज्ञान जल में जिसका घर है, आयन है, किसका है? जो ज्ञान जल में ही रहता है सदैव, कौन रहता है? नारायण।
अच्छा, नारायण जो ज्ञान जल में रहता है उसके पास ज्ञान कहाँ से आया? कहाँ से आया है? अरे हमारे तुम्हारे में क्यों नहीं आया? हमारी यादगार क्यों नहीं बन गई जल के अंदर? हमारा नाम क्यों नहीं? अच्छा, सात और भी तो नारायण होते हैं सतयुग में, उनका कोई यादगार है अलग से? नहीं, एक का यादगार है। तो जिस एक का यादगार है नारायण का, वो नारायण ज्ञान जल में रहने वाला किसने बनाया? शिव ने बनाया। अगर उसमें शिव न होता, प्रवेश करके ज्ञान न देता, तो नारायण होता है? नहीं होता। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण, क्या कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण माने खींचना, उससे बनता है कृष्ण। जैसे कृषक होता है, कृषक माने खेती करने वाला, तो क्या करता है? धरनी से क्या खींचता है? है ना, वो तो हल खींचता है। हल तो वास्तव में बैल खींचते हैं, वो नहीं खींचता, लेकिन वो पृथ्वी से अन्न खींचता है, फल खींचता है, सब्जियां खींचता है, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो पृथ्वी से खींचता है, इसलिए उसका नाम है कृषक। और यहाँ नाम है कृष्ण, मना जिसने गोपियों को आकृष्ट किया, जिसने आत्माओं को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, उसका नाम है कृष्ण। ये आकर्षण शक्ति कहाँ से आई? ये 63 जन्म में उस आत्मा में आकर्षण शक्ति थी? नहीं थी। कैसे आई? शिव ने प्रवेश किया तो ये आकर्षण शक्ति आई। दामोदरम, दाम माने जेब में पैसे होते हैं ना, तो उसको कहते हैं दाम। अरे तुम्हारे पास 6 दाम भी है? दाम माने धन संपत्ति, दाम माने पैसे। उदरम, उदर माने पेट। कौन सा पेट? ये नीचे वाला, ये बेहद का। ये बेहद के बुद्ध रूपी पेट में कुछ धन संपत्ति है? अगर है तो दामोदरम, जिसका बुद्ध रूपी पेट धन संपत्ति से भरा हुआ है, उसका नाम पड़ गया दामोदरम, जिसके उदर में धन संपत्ति भरी हुई है ज्ञान की। अच्छा, भरी हुई है, लेकिन भरी किसने? यहाँ भी शिव बाप ने भरी। तो ये सारी बातें एक के ऊपर लागू हो रही हैं कि अनेकों के ऊपर? एक के ऊपर लागू होती है। वासुदेवम, क्या वासुदेवम? वसु कहते हैं, वसु माने धन संपत्ति, और उसके बच्चे का नाम है वासु। वासु की नाक का भी नाम सुना होगा, सुना ना? तो वो है वासु की नाग, और ये है वसुदेव का पुत्र वासुदेव। भक्ति मार्ग में वासुदेव किसको कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं। उन्होंने तो कृष्ण को भगवान मान लिया, लेकिन वास्तव में वासुदेव कौन हुआ? जो वसुदेव का पुत्र है।
वसु माने धन संपत्ति, ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला, देव माने देने वाला कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा अपने पुत्र वासुदेव, ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण, विष्णु का पुत्र वैष्णव, जिन का पुत्र जैन, एक मात्रा बच्चे के अर्थ में बढ़ती है। तो वसुदेव का पुत्र कौन हुआ? वासुदेव। वो वासुदेव किसके लिए कहा? उन्होंने तो कृष्ण के लिए लगा दिया, लेकिन वासुदेव है कौन? है जो धन संपत्ति, ज्ञान की धन संपत्ति देने वाले का पहला पुत्र है। कहते हैं देव देव महादेव, देव ब्रह्मा, देव विष्णु, देव देव कहते हैं कि महादेव, तीसरा महादेव, माने देव देव हो गए दो, कौन कौन? ब्रह्मा और विष्णु और महादेव शंकर। तो बाबा मुरली में पूछते हैं बड़ा कौन हुआ? है महादेव बड़ा हुआ। सूक्ष्म बतन में भी ऊंची स्टेज में किसको दिखाते हैं? शंकर को दिखाते हैं। तो वासुदेव वास्तव में किसका नाम हुआ? है शंकर का ही नाम हुआ, लेकिन भक्तों ने गीता में कृष्ण का नाम पढ़ा हुआ है, इसलिए भक्तों ने वासुदेव किसको समझ लिया? है शंकर को नहीं, कृष्ण को समझ लिया। तो देखो कितनों को एक ही श्लोक में ले आते हैं, कितने शब्द लगाए दिए है एक की बात, ये अनेक हैं, ये तो एक ही है। अभी राम कहां, नारायण कहां, बताओ कहां? राम कहां? अरे अभी, अभी माने कभी है? अभी संगम युग में राम कहां है? अरे बात ही नहीं मालूम, राम कहां? अरे यज्ञ के आदि में फेल हो गया तो क्या नाम पड़ा? फेल हो गया तो राम बना, 14 कला संपूर्ण। जो पहले पहले फेल होता है वो ज्यादा अनुभवी बनता है या नहीं बनता है? और माया जब आखिरी परीक्षा लेती है, फाइनल पेपर लेती है, तो किसी को छोड़ती है? छोड़ती है, माया किसी को नहीं छोड़ती। क्या छोड़ देती है? किसी को नहीं छोड़ती। भक्ति मार्ग में तो उत्तर भारत में अभी भी माताएं गीत गाती है। क्या? माया नजरिया मारी गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई, उसे मार तो नहीं पाई, दाढ़ी हिलाई भाग गई। तो माया किसी को छोड़ती नहीं है, इसलिए बोला अभी समझ पड़ती है। बहुत पूजा की है, व्यास को भी इसमें ले आए हैं। क्या? किसमें? व्यास को भी ले आए हैं, राम को भी ले आए, नारायण को भी ले आए, अच्युतम केशवम राम नारायण ढेर सारे नाम गिनाए दिए, व्यास को भी ले आए हैं। व्यास का मतलब क्या हुआ? वे माने विशेष रूप से, आस माने बैठ जाना। क्या? शिव बाबा आता है तो किसी में बैठता है कि नहीं? खास किस बात के लिए बैठ गया? अरे कोई काम के लिए बैठा है कि नहीं बैठा?
अभी व्यास कौन है? बेचारे कुछ भी नहीं जानते हैं। बताओ, द्वापर युग से आदि से सबसे जास्ती शास्त्र किसने लिखे? व्यास ने लिखे। व्यास में ये इतना विस्तार का ज्ञान कहां से आया? ये सारे संस्कार उसने कहां से धारण किए? हैं? संगम युग में किए। तो अभी व्यास कौन है कोई भी नहीं जानते। अब तुम बच्चे जान गए कि नहीं है? तुम बच्चों ने जान लिया। नहीं तो वास्तव में सच्चे सच्चे व्यास सुखदेव के बच्चे तुम हो। अभी तुम जानते हो कि बरोबर सुख देने वाला मोस्ट बिलीवेड बाप हमको बैठ करके ये सहज राजयोग की नाली सुनाते। कौन सी नॉलेज है? सारी बातें समझ में आ रही हैं? सहज सहज या कठिन बातें हैं? सहज बातें बता रहे हैं बरोबर उस सुख देने वाले के हम बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? हैं? सुखदेव कौन बताया? व्यास सुखदेव बताया। जो व्यास सुखदेव बताया वो व्यास कौन है? तुम तो बच्चे हैं? सुखदेव के बच्चे, सुख देने वाले के हम बच्चे, और व्यास कौन हुआ? हैं? कौन एक? अरे नाम वाली आत्मा, उसमें ज्ञान होता है, हैं? वो बैठती है। ज्ञानी बनाने के लिए वो बैठती है, ज्ञान देने के लिए कौन बैठता है? ज्ञान देने के लिए शिव बाप बैठते हैं। तो शिव बाप हुआ व्यास और तुम उसके हैं बच्चे हुए। तो सुख देने वाले के हम बच्चे हैं, पक्के पक्के सच्चे व्यास ब्राह्मण हैं। और व्यास गद्दी पर जो बैठते हैं वो कौन होते हैं? भक्ति मार्ग में बंगी चमार कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। जो ब्राह्मण व्यास होते हैं, जो बैठ करके प्रैक्टिकल में ये सहज राजयोग सिखलाते हैं और जानते हैं कि सब बच्चे बैठ करके अभी मनुष्य से देवता बनते हैं। कैसे? क्या बनते हैं? मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य किसे कहा जाता है? देवता किसे कहा जाता है? क्या अंतर है? हाँ? जिनका मन चलायमान होता है, मन चलायमान होता है तो इंद्रियों को भी चलायमान कर देता है कि नहीं है? और देवताएं? देवताएं अमल हो जाते हैं, मन को ही मार देते हैं। मन मार दिया तो इंद्रियां चलायमान हो ही नहीं सकती। ऐसी स्टेज तुम बच्चों की बन जाती है कहां? सतयुग में। यहां संगम युग में ही बन जाती है कि मन कितना ही जोर मारे लेकिन तुम्हारी इंद्रियां चलायमान नहीं हो सकती। ये सिर्फ माताओं कन्याओं को ही कहा या भाइयों दुर्योधन दुशासन जिनको कहते हैं उनको भी कहा है? सबको कहा। माने भाइयों की भी ऐसी स्टेज बनेगी किसके सहयोग से? है? बाबा सहयोग नहीं देता। बाबा न किसी को कुछ देता है न किसी से कुछ लेता है। कौन सहयोग देता है? विजयमाला का आवाहन करो। क्या? तो शिव की शक्तियों के सहयोग से तुम बच्चे
ऐसे मनुष्य से देवता बन जाते हो। तो देवताओं के आगे मनुष्य कहते हैं कि हम पापात्मय हैं, नीचे हैं, कपटी हैं। देखो कितना कड़वा कड़वा अपने लिए कह देते हैं। और वो देवताएं कितने मीठे हैं। ये पुजारी वो तो अभी तलक पूजा करते हैं। हम खुद बहुत मंदिरों में पूजा करते रहे। कौन बोला है? हम खुद बहुत मंदिरों में पूजा करते रहे। कौन बोला? ब्रह्मा बाबा। अभी ये कहते हैं और बाबा भी कहते हैं। अब ये है कौन है और बाबा कौन है? 69 में ना 64 में कहने वाला। अभी यह कहते हैं ब्रह्मा बाबा और बाबा भी कहते हैं, ये कौन है? हैं? बाबा भी कहते हैं। भी माने कोई दूसरा है या एक ही पर्सनालिटी है? कौन है? आने वाला भी है और यज्ञ के आदमी नहीं था? इसने तो बहुत गुरु किए हैं। किसने हैं? ब्रह्मा ने तो बहुत गुरु किए हैं और इसने ही ये पूरे 84 जन्म लिए। तत्त्वम जैसे इसने लिए वैसे तुम भी लेते हो। यानी जो सूर्यवंशी डायनेस्टी है वो ही सभी पूज्य हैं। क्या जो चंद्रवंशी हैं वो पूज्य नहीं है? क्या कहां की बात है? सतयुग की? हाँ, संगम युग की बातें हैं कि यहां जो सूर्य के बच्चे हैं डायरेक्ट है, वो सूर्यवंशी हैं। और जो चंद्रमा के बच्चे हैं, चंद्रमा को फॉलो करने वाले हैं, वो चंद्रवंशी हैं। और इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं वो इस्लामवंशी हैं। बुद्ध को फॉलो करने वाले हैं वो बुद्धवंशी हैं। क्राइस्ट को फॉलो करने वाले हैं वो क्रिश्चियनवंशी हैं। मोहम्मद को फॉलो करने वाले हैं वो मुस्लिमवंशी हैं। लेकिन सभी पूज्य हैं। कौन पूज्य हैं? जो सूर्य के बच्चे डायरेक्ट बनते हैं, सूर्यवंशी बच्चे बनते हैं, वो ही पूज्य हैं। चंद्रवंशी भी पूज्य नहीं। क्यों? राधा चंद्रवंशी नहीं आती है? राधा की पूजा नहीं होती है? बाद में और पहले की बात नहीं। राधा पूज्य है या नहीं है? और राधा को चंद्रवंशी बताया बाबा ने या सूर्यवंशी? हैं? चंद्रवंशी बताया। उसकी पूजा नहीं होती है। किसकी पूजा होती है? तो राधा की क्यों होती है? हाँ, राधा भी चंद्रवंशी घराने को छोड़ देती है और सूर्यवंशी घराने में आकर के कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या हो गई? सूर्यवंशी हो गई। जैसे कन्या अपने माँ बाप के वंश को छोड़ती है, माँ बाप के टाइटल को छोड़ती है कि नहीं? जब शादी होती है फिर पति का टाइटल मिलता है या माँ बाप का टाइटल रहता है? हैं? पति का टाइटल मिल जाता है। तो बोला चंद्रवंशी वो तो सूर्यवंशियों की पूजा करते हैं ना। क्या कहा? शास्त्रों में चित्रों में ऐसा कोई चित्र
या शास्त्रों में ऐसी कोई श्लोक या कोई कथा कहानी बताइए। नहीं, शास्त्रों में, चित्रों में, भक्ति मार्ग के चित्र है ना, पूजा करते हुए दिखाते हैं ना, उनमें कोई चित्र है जिसमें दिखाया हो कि चंद्रवंशी सूर्यवंशियों की पूजा करते हैं? अरे हैं, विक्रमादित्य चंद्रवंशी था, वो वैश्य था या चंद्रवंशी था? वो तो वैश्य था, विशेष था, भिखारी था, उसको थोड़ा ही करेंगे चंद्रवंशी। तो बताओ चंद्रवंशी कौन, चित्र बने हुए पूजा करते हुए? हराम की राजगद्दी का चित्र देखा है? देखा है, क्या देखा उसमें? है हाँ, राम सीता बैठे हैं सिंहासन पर और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इस्लामी का बीज, बौद्धियों का बीज और क्रिश्चियंस का बीज, ये तीनों ही आत्माएं बैठ करके क्या कर रही है? हैं? कोई छाता लेकर के छाया कर रहा है, कोई पंखा चमर डल रहा है, कोई पांव धो रहा है, और हनुमान क्या कर रहा है? हनुमान भी तो है कि नहीं है? हनुमान फेलियर में है या पास होने वालों में है? अरे हाजर है, फेलियर में क्यों है? हैं? बताओ, यज्ञ के आदमी तो राम वाली आत्मा फेल हुई, ये सब बच्चे फेल हुए होंगे उसके साथ। हनुमान कैसे फेल हैं? ये बौद्धियों का बीज, क्रिश्चियन का बीज, इस्लामियों का बीज, ये फेलियर हैं, हैं? कब फेल हुए बताओ? हाँ, यज्ञ के आदि में सिर्फ राम ही फेल नहीं हुआ, ब्रह्मा बाबा तो जब झगड़ा शुरू हुआ तो सबसे पहले भाग गए, कराची में भाग गए। तो भागने वाले को फेल कहेंगे, पास कहेंगे? वो ही फेल। और फिर दूसरा जन्म लेकर के आए, माया की थोड़ी सी ठोकर लगी, जैसे मिट्टी का ढेला होता है उसमें कोई ठोकर मारे तो क्या होता है? बिखर जाता है कि ठहर जाता है? बिखर जाता है। ऐसे ही मायावी पुरुषों की, मायावी पुरुष की ठोकर लगी। शास्त्रों में दिखाते हैं बहेलिए ने तीर मारा और पांव में घाव हो गया और मर गए। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने दो दिन के अंदर ही शरीर छोड़ दिया। दो दिन पहले उनको पता चला ये सारी संस्था कोई हमारे ही अजीज बच्चे ने अपने नाम करा ली, रजिस्ट्रेशन करा लिया। मुरली में मना किया, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है क्या? और उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया। और यहां भी क्या हुआ, यहां क्या हुआ है? अरे यहां कोई ने संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया या नहीं कराया? किसने कराया? नहीं पता। किसकी अकल काम कर रही थी ये काम करने में? अरे नहीं पता चला। अच्छा चलो छोड़ दो, हैं?
क्योंकि बड़े बड़े तो हैं ना। कौन? जो फेल हो जाते हैं माया के युद्ध में, वो भी बड़े बड़े तो हैं ना। अरे इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है, इब्राहिम कहा जाता है धर्म पिता, वो भी ग्रेट है कि नहीं है? ग्रेट है। महात्मा बुद्ध जिसमें प्रवेश करता है और जिसका वो बच्चा बनता है, वो ग्रेट हुए ना, तो बड़े बड़े तो हैं ही। जो बड़े होते हैं वो अपने से छोटों की पूजा नहीं करते हैं। करते हैं? नहीं करते हैं। परंतु बड़े हैं ना, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे से भी बड़े कोई तो होंगे ना। जो राजगद्दी का चित्र दिखाया है, वो पूजा करते हुए जो दिखाए गए हैं, वो जानते हैं ना कि हमारे से ये बड़े हैं या नहीं है? हैं? हैं? बड़े ते बड़े होते गए हैं ना। परंतु ये नॉलेज जो तुम बच्चों को मिल रही है, वो नॉलेज इस बिचारे लक्ष्मी नारायण में होती है, है? होती है? नहीं होती है? नहीं होती तो नारायण नाम क्यों पड़ा? ज्ञान जल में रहने वाला है। हाँ, इसलिए बोला चित्र की तरफ इशारा करके। बाबा ने चित्र की तरफ इशारा किया, बोला इस बिचारे लक्ष्मी नारायण में अब वो किसको कहते हैं बिचारे लक्ष्मी नारायण? बताओ, सतयुग के लक्ष्मी नारायण को बिचारे कहते हैं या संगम युग लक्ष्मी नारायण को बिचारे कहते हैं? सतयुग लक्ष्मी नारायण को बिचारे कहते हैं। क्यों बिचारे कहा? क्योंकि संगम युग लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, संगम युग लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बनते हैं, विश्व पिता का टाइटल लेते हैं शिव बाबा से, प्रैक्टिकल में विश्व पिता बनते भी हैं, विश्व के महाराजन भी बनते हैं, लेकिन जो सतयुग के आठ नारायण हैं, वो विश्व महाराजन नहीं बनते। बाबा ने बोला नर से नारायण बनना है और वो है नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं। क्या बनते हैं? वो नर से शरीर छोड़ करके, संगम युग में ही शरीर छोड़ करके फिर सतयुग में प्रिंस बनेंगे, फिर नारायण बनेंगे। तो हो गए बिचारे। ये अपन को कह देते हैं। जब हम बिचारे लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये नॉलेज होती नहीं है। हम किसकी भी सेवा करके वह नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाए नहीं सकते, तो हम क्या काम के? ये विचार किसके हैं? किसके लिए बोला? इसे बिचारे नारायण के लिए। किसके लिए है? ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा किया। ये नारायण तो बनेगा सतयुग में, लेकिन किसी को नॉलेज दे नहीं सकता। ओम शांति।